बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इन दो सेक्टर्स की जानबूझकर पिटाई क्यों की जा रही है। अच्छी खबरें भी, लेकिन उसके बावजूद पिटाई। बिग प्लेयर्स इन में बड़ा उछाल बना सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी फ्राइडे वाले दिन की बायसेल कॉल है, जो हमने अपने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप में दी। और दोस्तों ये ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग की हमने आप तमाम दोस्तों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर इसको एक्सटेंड किया है संडे 12 बजे तक रात। जी दोस्तों देखें, बतदरीज इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। जो आपने देखा है कि जो सीपीआई इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें बतदरीज कमी आ रही है। वीक ऑन वीक बेसिस और मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर कमी आ रही है, ठीक है। और इसको लेके जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो 22 पे था। उससे पहले जो इन्फ्लेशन कम होने से पहले जो था वो 38 था। इन्फ्लेशन 38 से कम होके इस वक्त तकरीबन 11% के राउंड अबाउट आ चुका है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 250 बेसिस पॉइंट कम हो चुके हैं, यानी कि 19.5% पे आ चुकी है इंटरेस्ट रेट की रेशो। अब ये है कि मज़ीद जो इसकी अगस्त की जो कैलकुलेशंस आएंगी, डाटा आएगा इन्फ्लेशन का, तो उसमें एस्पेक्ट यही किया जा रहा है कि ये सिंगल डिजिट में हो, ऐसा कहना है हमारे जो वज़ीर ख़जाना, ठीक है। तो अगर ये 9 या 8 आ जाता है तो काफ़ी रूमर्स हैं मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट में भी कमी आ सकती है तकरीबन 200 से 250 बेसिस पॉइंट की। तो मार्केट आपकी इसको बहुत पॉजिटिव लेगी। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो स्टॉक यानी कि सेक्टर्स हैं वो सीमेंट और ऑयल एंड गैस, वेरी वेरी बेनिफिशरी। इसमें सीमेंट में जो काबिले जिक्र हैं वो DGKC, FCCL, मैपली पावर, और ऑयल एंड गैस में OGDC, PPL, PSO और पोल। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।